दिस इज संजय एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ईशान ट्रैवल्स। ईशान ट्रैवल्स का और एक न्यू ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट जो वीडियो था मेरा एलवी प्रसाद हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट से लेके पूरा ट्रीटमेंट तक, कहाँ से क्या दिखाना है, कहाँ पर दवाई वगैरह खरीदना है, कैफेटेरिया कहाँ है, सारा जो हम ब्लॉग बनाए थे उसमें काफ़ी अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स मिला है। तो ध्यान में रखते हुए मैं और एक नया वीडियो आपका पास लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में और भी हम पूरे डिटेल्स बताने का कोशिश करूँगा मैं, जो कैसा करके अपॉइंटमेंट प्रोसेस है एलबी प्रसाद हाई हॉस्पिटल का, कैसे आप लोग दिखाओगे, कहाँ पर अपॉइंटमेंट वगैरह करना है, कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे ऑफलाइन करना है और कहाँ पर दिखाना है और कैसे दिखाना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा दोस्तों। तो अभी हम जा रहे हैं एलबी प्रसाद आई हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरा पापा का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और चेकअप भी है इस बार। तो आज हम लोग अभी जाएंगे एलबी प्रसाद में। तो इस बार हम लोग का दो डॉक्टर का पास अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर गैजेला एंड डॉक्टर माले फर्नांडिस, जो ग्लूकोमा एंड कॉर्निया का ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, तो चेकअप वगैरह है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एलबी प्रसाद का गेट का सामने। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा इन्फॉर्मेशन मैं देने का कोशिश करूंगा इस वीडियो में, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेटिव रहेगा वीडियो। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना दोस्तों से जो आने वाले हैं बांग्लादेश से, और जो वेस्ट बंगाल से ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो उन लोग को हम ज़्यादा डेडिकेट कर रहे हैं। तो अच्छा से देख लेना, ठीक है, कि आप कुछ प्रोसीजर है नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हम अभी एलबी प्रसाद का गेट का सामने। तो बने रहिए फ्रेंड्स और देखते रहिए आपका अपना चैनल ईशान ट्रैवल्स में। दोस्तों अभी हम लोग जस्ट एलबी प्रसाद का सामने है, आपको मिल जाएगा केटीएम का शोरूम, जस्ट मेरा पीछे ही है केटीएम का शोरूम है, और इधर से हम लोग का रूम है। और अगर आप साधन आपको बता देते हैं, जो आप कैसे करके आएगा हैदराबाद से, 47L बस मिलता है, डायरेक्ट आते हैं एलबी प्रसाद, और आप रैपिडो बुक कर सकते हो। और रैपिडो बुक करने का जो तरीका है आप तो जानते हो, अगर नहीं जानते नेट से देख लेना कैसे करके रैपिडो बुक करता है। रैपिडो भी से आ सकते हो, नहीं तो ओला उबर भी कर सकते हो बाय टैक्सी, ठीक है। और सामने में हम कैमरा को मूव करते हैं, दिखाते हैं एलबी प्रसाद का जो गेट है, मेन गेट वहाँ पर। एलबी प्रसाद घुसते घुसते आपको सामने में एक मंदिर मिल जाएगा, और मंदिर का सामने थोड़ा दूर 10 कदम अगर चलेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एलबी प्रसाद का जो गेट है, मेन गेट वो। और हम लोग जस्ट यहाँ पर खड़ा है अभी, देखा दिखा रहे हैं आपको जो ट्रैफिक कितना है इस टाइम पे। और ये रहा एलबी प्रसाद का गेट, और हम लोग इधर से अंदर घुसेंगे अभी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी अंदर में और आपको दिखाते हैं सारा कुछ, तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। दोस्तों हम लोग का यहाँ पर अपॉइंटमेंट का टाइम इस बार मिला है 3:30 बजे से, तो पापा का अपॉइंटमेंट है, और अभी जैसे घड़ी में टाइम हो रहा है 2:45, तो आगे जाके हम लोग जो ओपीडी का सामने जो थोड़ा सा वहाँ पे देख सकते हैं भीड़ है, वहाँ पर हम लोग जाके बैठेंगे थोड़ा दूर। और वहाँ पर हम लोग का अटेंडेंस और पेशेंट दोनों का हैंड में बेल्ट मिलेगा, एक बेल्ट जैसा लगा देगा, लास्ट टाइम जब हम आए थे उस समय भी लगाया था। और फिर हम लोग वहाँ से फिर एंट्री लेंगे, हम लोग 3:30 बजे से फिर डॉक्टर देखना वहाँ पर चालू होंगे, तो सारा प्रोसीड्योर हम आपको दिखाएंगे। और ऑनलाइन से हम पेमेंट भी करेंगे, जो चार्ज है 400 चार्ज आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट का, वो सब भी हम दिखाएंगे। तो ये रहा कैंपस एलबी प्रसाद का। तो और एक बार बता देते हैं आपको, जो कलाम अंजलि रेड्डी कैंपस एलबी प्रसाद का जो मेन एड्रेस है बंजारा हिल्स का, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं एलबी प्रसाद का मेन कैंपस, और एक बार बता देते हैं कलाम अंजलि रेड्डी कैंपस, ये रहा मेन कैंपस। और भुवनेश्वर में भी और एक सेंटर है एलबी प्रसाद हाई हॉस्पिटल का, ऑल ओवर इंडिया में टॉप 10 हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल है हमारा एलबी प्रसाद का। दोस्तों पापा यहाँ पर खड़ा है फाइल लेके, और जैसे कि हम लोग का टाइम है 3:30 बजे से, तो हम लोग अभी चलेंगे अंदर में। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया सा सजाया गया है पूरे चारों तरफ फूलों से। और ये रहा कुछ एलबी प्रसाद का बिल्डिंग ऐसा है, सामने गणेश जी का टेंपल है, और ज़बरदस्त बिल्डिंग है फ्रेंड्स। पीछे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो एलबी प्रसाद का पार्किंग लॉट बहुत बड़ा है, और मैं अपना रूम से भी दिखाने का आपको कोशिश कर रहा, साथ ही साथ मेरे पीछे जो देख रहे हैं पार्किंग लॉट, और बहुत अच्छे तरीक़ों से सजाया गया है एलबी प्रसाद का कैंपस। जैसा आप लोग पेशेंट लोग आए हुए तो यहाँ पर मन थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलिए कैमरा को मूव करते हैं और आपको पूरा कैंपस एक बार दिखाने का कोशिश करते हैं।
ये रहा कैफेटेरिया एल बी प्रसाद का, यहाँ पर आपको लंच थाली मिल जाएगा और यहाँ पर चाय कॉफ़ी भी आप पी सकते हैं। और ये सामने में जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर आप दवाई वगैरह परचेस कर सकते हैं। तो आप हॉस्पिटल का अंदर में ब्लॉग वगैरह नहीं बना सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए, सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा मैं प्रोवाइड कर पाऊँगा उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, ब्लॉग देखने में भी अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ रहेगा। तो चलिए बने रहिए फ्रेंड्स वीडियो में। और अभी हम लोग चल रहे हैं एल बी प्रसाद का अंदर में, और डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट वगैरह है कुछ क्या है नहीं है जितना हो सके हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। P144704444 गंगाधर पेमेंट करेंगे सर, पेमेंट बाय ऑनलाइन स्कैन करो सर, यस पेमेंट सक्सेसफुल 400 यस फोटो। हमारे पापा यहाँ पर बैठे हैं, अभी 10 नंबर हॉल में हम लोग बैठे हैं, और हम लोग का जैसे कि वहाँ पर पहले चेक इन किया है हम लोग, और वहाँ पर चेक इन करने के बाद 400 हम लोग को पे करना पड़ा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और अभी हॉल में बैठे हैं वेटिंग हॉल में साथ में पापा के साथ। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा हॉल तो पूरा खचाखच भरा है, लगभग मुझे लग रहा है डेली इतना भीड़ होता है। और वहाँ पर एल बी प्रसाद का बारे में दिया जा रहा है, जो कनेक्ट किया एक जो पोर्टल है वहाँ से आप डायरेक्ट बुकिंग वगैरह कर सकते हैं, और होम केयर सर्विस अवेलेबल है, सर्विस अवेलेबल इन हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। स्क्रीन में अभी जैसा कि आप लोग देख रहे चल रहा है, और हॉल देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है, बहुत सारे पेशेंट आज आए हैं एल बी प्रसाद में, साथ में हम भी बैठा के हम थोड़ा निकल गए बाहर तरफ में, और अंदर में देख सकते हैं कितना अच्छा गार्डन बनाया गया है, और टोटल ये 4th फ्लोर तक है, एकदम पूरा चकाचक हॉस्पिटल है हमारा एल बी प्रसाद में। जय भोले बाबा। भी ताजुब हो जाएगा जैसा लगेगा ये ओरिजिनल पेड़ नहीं है, लेकिन हम भैया को पूछे जो यहाँ पर सारे जितना सारा पेड़ है यहाँ पर सारा कुछ ओरिजिनल है ना, सारा कुछ बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये गार्डन देखने में। एल बी प्रसाद का फार्मेसी डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपको विजन चेक करने के बाद यहाँ से आपको मिलता है चश्मा। और अभी जो चेकअप कर रहे हैं वो था जूनियर डॉक्टर, उसके बाद आएंगे सीनियर डॉक्टर थोड़ी देर बाद। इतना कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ, सारा कुछ अभी सिस्टम में फीड किया जा रहा है, ये रहा सिस्टम, इसमें फीड किया जा रहा है जितना सारा ऑब्जर्वेशन हुआ अभी। Yes, 2035 it is.
ये लेयर अभी प्रेशर की वजह से अच्छा से काम नहीं कर रहे, उस वजह से नजर कम हुआ। व्हाट इज हिज विजन अर्लियर? सीएफसी। टॉर्जर्स की बहुत आई मॉर्निंग पर, देन अल्फागन की बहुत आई मॉर्निंग, देन रिपाटिक बहुत आई इन द मॉर्निंग। हाँ मैडम, रेड रिपाटिक रेड फोर्ट आफ्टर वन एयर इन द लेफ्ट आई ओनली। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर में ग्लूकोमा काउंटर में, वहाँ पे जाके पापा का नेक्स्ट जो डॉक्टर है वो चेकअप करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। Speak in English or Hindi, madam? Hindi or English? ठीक है। आप सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ आप। We are from here. We are from here. ठीक है। We are from West Bengal. ठीक है। West Bengal से आ रहे हैं। That's why you can't understand your language. ज्यादा सर्जरी करने का बाद लग रहा है प्रॉब्लम वगैरह अगर वही मैं भी बोल रहा हूँ इतना केयरफुली किया तो भी थोड़ा गारंटी 100% कोई भी आगे हम लोग बंगाल से है। ओके, रेसिडेंट फॉर हियर। यस, सो इसलिए आपको ड्रॉप्स ऐसे ही कंटिन्यू करिए राइट टाइम में, तो राइट टाइम में अगर रियली नेसेसरी है तो करेंगे ऑपरेशन। हम मेडिसिन सर कंटिन्यू एज पर डॉक्टर्स एडवाइस। हां, फुली आई एम अप्लाइंग मेडिसिन। यस यस, ऑल द मेडिसिंस आर बीइंग अप्लाइड फॉर। तो अभी तो सर जी कोई इमरजेंसी वगैरह तो नहीं है जो सर्जरी करना पड़ेगा या कुछ? प्रेशर वगैरह कैसा है? नॉर्मल है प्रेशर वगैरह। राइट एंड लोअर लिंग एंड जो सिंस लास्ट 5 इयर्स ये बोथ आईज इन द 9:09 PM बोथ आईज अप्लाइंग सिंस लास्ट 5 इयर्स। बंगाल से ही चल रहा है, वैसे रेफर की वो जो हमारा डॉक्टर थे वहाँ पर दिशा हॉस्पिटल बंगाल पोस्ट में, वो यहीं से पास करके गए डॉक्टर पार्थो मंडल। अच्छा, वहाँ से ही कॉर्निया को लग करेंगे नहीं बैरकपुर कलकत्ता में उसका हेड ऑफिस है मना ऑफिस का हॉस्पिटल, तो वो रेफर के यहाँ पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर तक कॉर्निया की लाइट इज नॉट कमिंग इन द लेफ्ट आई, इसलिए अकॉर्डिंगली हम लोग आए हैं यहाँ पर। तो वहाँ वाइटल पार्ट्स है, एक हाथ पे चला गया ठीक है, लेकिन आँख अगर बहुत चला गया लग रहा
वही सर आप क्या करेंगे ना, एक महीने के बाद उधर लोकल में चेकअप करा लीजिए, हमें फोन पे बात करेंगे, टेली कंसल्टेशन करते हैं, अगर वो प्रेशर नॉर्मल है तो कोई परवाह नहीं, मैं तो आपको फिर से अपॉइंटमेंट इधर देके बुलाते हैं। अच्छा ओके, तो क्या ये प्रोसीजर है? एक प्रेशर जैसे हम मूवी का देख करते हैं हर रोज, तो और सर प्रेशर घटाने के लिए कोई मेडिसिन और नहीं है कोई ना? और कुछ नहीं है सर, ये पूरे के पूरे ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं। हां फुल यूज कर रहे हैं एवरीडे। हां रात को नाइट का बहुत आई मूवी का वन ड्रॉप ही चाहिए। यस, तो सर और कोई बढ़िया है मेडिसिन नहीं जैसे कि प्रेशर को कम किया जाए? नहीं है सर इतना ही है। हम बीच रात को सोचते हैं कि एक तो बना लेंगे इन द मिड नाइट, इसमें अगर लास्ट टाइम बोले थे अगर कुछ नॉर्मल हो गया दाइल में पाइन आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी आप ड्रॉप्स ऐसे कंटिन्यू करिए, आराम से जाइए, एक महीने के बाद टेली कंसल्टेशन करते हैं आपसे। ओके, कंसल्टेशन ओवर द फोन, ओवर द फोन दे विल टेल यू हाउ टू डू दैट और फ्रेंडलीस पीपल विल हेल्प यू। ओके 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 नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी योर आई इज फाइन ओनली। ओके हां 70 हो गया। हां भाई यूज द सेम मेडिसिन, आपको प्रॉब्लम कुछ आ जाए ऐसा सिचुएशन है, मैंडेटरी सिचुएशन सर्जरी के लिए आए तो हमें करने के लिए रेडी है। हम जस्ट मिड नाइट, तो अभी हम जब लोकल डॉक्टर दिखाएंगे तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? प्रेशर चेकअप कराना है। हां राइट टाइम पे प्रेशर चेकअप कराना है, खाली प्रेशर चेकअप कराना है। कहीं पर भी करा सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। फर्नांडेज और ग्लूकोमा का डॉक्टर देखने के बाद अभी हम लोग ले रहे हैं अपॉइंटमेंट, तो जा रहे हैं सेकंड फ्लोर में अपॉइंटमेंट लेने। और अभी हम लोग हैं सेकंड फ्लोर में, जैसे कि देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में क्या है, सेकंड फ्लोर में क्या है और थर्ड फ्लोर में क्या है वो हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में आपको कॉर्निया का जितना सारे पेशेंट वगैरह है वो आते हैं फर्स्ट फ्लोर में, ठीक है। और सेकंड फ्लोर में है आपका स्पेशली फॉर ग्लूकोमा, अभी हम लोग सेकेंड फ्लोर में अपॉइंटमेंट वगैरह सारा कुछ लिए सेकेंड फ्लोर में। और ग्राउंड फ्लोर में आपका है कैटरेक्ट, जो छानी जो ऑपरेशन वगैरह करता है उसका है आपका ग्राउंड फ्लोर में। तो ये रहा तीनों फ्लोर, और फोर्थ फ्लोर में होता है आपका स्कैनिंग वगैरह होता है, ब्लड का सैंपल्स वगैरह लिया जाता है, वो सब सारा प्रोसीड्योर वगैरह होता है। नोट करें अभी टेली कंसल्टेशन के लिए है नया नंबर, ये आप नोट कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग का दोनों डॉक्टर का पास जैसे कि चेकअप वगैरह सब हो गया है, और डॉक्टर माला ने फर्नांडिस ने बोला जो रिजल्ट बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, तो और भी चेकअप के लिए अभी भी डेट दिए हैं 3 मंथ बाद। और दोस्तों आज से ठीक 1 मंथ बाद एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होगा जो टेली कंसल्टेशन होगा, उसके लिए हम लोग बुकिंग वगैरह कर लिए, उसका लिए हम लोग को 400 चार्ज करना पड़ा बस। तो अभी कैंपस से बाहर तो नहीं निकले हैं, आउटसाइड में निकले हैं कैफेटेरिया तरफ में, और जाएंगे कुछ वहाँ पर चाय या कॉफ़ी वगैरह कुछ पियेंगे, क्योंकि हम लोग जैसे कि यहाँ पर आए थे 3 बजे, हम लोग का 3:30 बजे का अपॉइंटमेंट हुआ और दो डॉक्टर एक साथ विजिट किए हैं, उसके लिए भी बहुत सारा टाइम हुआ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में, फर्स्ट जो डॉक्टर था माले फर्नांडिस, उसके बाद और एक डॉक्टर जो ये गैजेला था वो भी चेकअप वगैरह किए, बहुत कुछ बोले समझाए, और राइट आई को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जा रहा है लेफ्ट आई से, क्योंकि लेफ्ट आई ऑलरेडी ख़राब है, ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो उसको ज़्यादा सही किया नहीं जा सकता, लेकिन राइट आई जो है उसको 100% सही रहने के लिए इतना सब अभी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर आप आते हैं यहाँ पर बांग्लादेश से, अगर आते हो वेस्ट बंगाल से आते हो, तो पूरा वीडियो आपके लिए डेडिकेट करते हैं फ्रेंड्स, और अदर स्टेट से भी अगर आते हो तो देख लेना कैसा क्या प्रोसीड्योर है, कैसा सिचुएशन में आप पढ़ते हो तो क्या करना पड़ता है, सारा कुछ हम ये वीडियो में डालने का कोशिश किए। और चलिए चलते हैं कैफेटेरिया में और एक सिप लेते हैं कॉफ़ी का। और हम लोग आ गए हैं हमारे पापा अभी कैफेटेरिया में और एक कॉफ़ी का सिप ले रहे हैं। बहुत टाइम लग गया, अभी 6:30 बज रहा है, हम लोग यहाँ पर एंट्री लिए थे 3 बजे। कैफेटेरिया और यहाँ पर सब देख रहे हैं जैसे खा रहे हैं, और यह है बिलिंग काउंटर, और यहाँ पर मेनू भी कार्ड यहाँ पर है,
क्या क्या आज है, मिल्स एंड वेजिटेबल्स, सूप वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो हम लोग का ठीक जस्ट 3 महीना बाद और एक अपॉइंटमेंट दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं 29/5/2024 और 11:30 में। और अपॉइंटमेंट कौन दिया है, देखिए डॉक्टर मॉनले फर्नांडिस ने और एक बार अपॉइंटमेंट दिया है। तो ये रहा, हाँ बुधवार पड़ रहा है ना, बुधवार पड़ रहा है तो ये डेट में फिर और एक बार आपको आना होगा चेकअप करने के लिए। तो जैसे जैसे वो लोग देता है, गाइड करते हैं, ऐसे आपको भी मेंटेन करना पड़ता है सारा चीज़, तभी फॉलो करना पड़ेगा सारा चीज़, तभी आप सही से आपका आँख का ट्रीटमेंट कर पाओगे। बहुत सारा कुछ बता दिए हैं, अभी पापा है मेरा सामने। और कैसा ट्रीटमेंट आज हुआ, कौन सा डॉक्टर ने, जैसा कि हमने ऑलरेडी बता दिया है, तो पापा कुछ अपना मुंह से बोलेंगे जो ट्रीटमेंट कैसा हुआ है यहाँ पर। ट्रीटमेंट ठीक अच्छा हुआ, कॉर्निया का ट्रीटमेंट डॉक्टर मॉनले फर्नांडिस कर रहे हैं, सब ठीक ठाक हुआ। और ग्लूकोमा उसका भी ट्रीटमेंट हुआ, अच्छा हुआ है। और आज अच्छा आज कुछ तो कोई आँख चेकअप वगैरह कुछ नहीं किया है, जैसा कि अदर्स कुछ चार्ज वगैरह, क्या चार्ज लिया गया था? ओनली फॉर 400 रुपीज जो हम लोग पहले दिए, बस वही चार्ज लिया गया, उसका बस और कोई चार्ज वगैरह नहीं लेके ले। तो यहाँ पर क्या आप सेटिस्फेक्शन है एलबी प्रसाद में ट्रीटमेंट कराने का? तो जैसे कि हम लोग ने थोड़ा देर पहले कागज में भी देखे, जो आफ्टर 3 मंथ बाद माले फर्नांडिस ने फिर से और एक बार ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पर आने के लिए बोला है, तो आप क्या आओगे वहाँ पर? इंटरेस्टेड है? I will continue my treatment here. और जो जो दवाई वगैरह दिए हैं वो सब आप कैसे करके लेते हो? As per prescription, I am applying all the medicines, droppers, as per doctor's prescription. थैंक यू सो मच पापा को इतना सारा चीज बताने के लिए, थैंक यू सो मच एलबी प्रसाद में और एक बार आपको आने के लिए। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आँख का ऑपरेशन होने के बाद यहाँ पर सब बहुत कोई रेस्ट भी कर रहे हैं। यह है ओपीडी का जो सेंटर है, यहाँ पर सब कुछ रहता है, यहाँ पर चेकअप करने के बाद यहाँ पर रेस्ट वगैरह कर रहे हैं। और उसके बाद अभी जैसे भी टाइम भी नहीं हुआ है, 6:30 बज रहा है, 8 बजे तक जैसे कि ओपन रहता है एलबी प्रसाद, उसके बाद क्लोज होता है, तो उसके बाद ये लोग मुझे जितना दूर लग रहा है चले जाएंगे। तो फाइनली बहुत सारा कुछ कवर करने का हमने कोशिश किया एलबी प्रसाद में इस बार आके, और बहुत कुछ नया भी सीखने को मिला, जैसा डॉक्टर के पास भी बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला, पापा के पास भी बहुत सारा कुछ सीखने को मिला, नया नया चीज़। आप जितना ट्रैवल करोगे, जितना सारा आप एक्सपीरियंस गैदर करोगे, उतना ही सारा हम शेयर भी करते हैं साथों साथ। तो चलिए, आई होप ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो अपना फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली फैमिली के साथ ये ब्लॉग जरूर शेयर करना, जो कैसा क्या ट्रीटमेंट होता है एलबी प्रसाद में, कहाँ पे दिखाया जाता है, कहाँ पे रहने का क्या है, और भी बहुत सारा ब्लॉग हम ऑलरेडी डाल चुके हैं ये ईशान ट्रैवल्स चैनल में, जैसे कि कहाँ पर आपको रहना है, कहाँ पर खाना है, स्पेशली बंगाली फूड कहाँ पर मिलता है, ठीक है, स्पेशली आपको साउथ इंडियन फूड कहाँ पर मिलता है, ये सब सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। अदर्स वीडियो हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो आई होप गाइज ब्लॉग आपको अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैदराबाद का और कोई नया ब्लॉग लेके बहुत जल्दी हम आ रहे हैं, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मंजिल रेड्डी कैंपस का ये है गुलगप्पा राव का अपना बिल्डिंग, और जहाँ पर डॉक्टर सब रहते हैं, जितना पैनल है, जो सब साइंटिस्ट डॉक्टर है, सारा कोई यहीं पर रहते हैं। जितना देर मुझे सूत्र से खबर मिला है, तो क्योंकि इतना सारा पेशेंट है, कवर करना पड़ता है सब पेशेंट को, जीएन राव जी यहाँ पर रहते हैं, और साथ में प्रशांत गर्ग जो टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं अभी पैनल में, फर्स्ट डॉक्टर, उसके बाद माले फर्नांडिस भी है, साइंटिस्ट है, तो वो सब सारे यहाँ पर रहते हैं। और हम लोग अभी आउटसाइड में आ चुके हैं एलबी प्रसाद का। आई होप ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक कॉमेंट और शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। चलिए टाटा बाय बाय बाय, एकदम खाली Please. Ask me to do this.
दस तला हो गए काट पे।